सभी शारीरिक बीमारियों का जड़ जो है वो मानसिक है ऐसा बोला जाता है। मानसिक स्थिति, मानसिक अवस्था ठीक नहीं है तो बहुत सारी शारीरिक बीमारियां होती है। एक बात बहुत कॉमनली नजर आती है मेरे प्रैक्टिस में, मैंने देखा हुआ है कि यदि आपको बहुत ही आंतरिक बिलीफ, आंतरिक विश्वास, अंदर बहुत डीप रूटेड विश्वास ऐसा बैठा हुआ है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मुझमें कुछ तो भी कमी है, हाँ जितना चाहिए ना उतना मैं अच्छा नहीं हूं, वो देखो वो अच्छा है, तो ये बिलीफ, मैं इतना अच्छा करता नहीं हूं, जितना करना चाहिए उतना अच्छा मैं करता नहीं हूं, और मैं उतना लायक नहीं हूं जितना चाहिए उतना, तो मैं लायक नहीं हूं, मैं इतना अच्छा करता नहीं हूं और मैं इतना अच्छा नहीं हूं। ये जो डीप रूटेड बिलीफ्स जो है वो डीप रूटेड बिलीफ्स लोगों के बीमारियों का कारण बन सकते हैं। चार तरह की इमोशंस जो है ना वो अपने दुश्मन है। एक रिजेंटमेंट मतलब क्रोध, रोष या गुस्सा, एक ही बात है। नंबर दो गिल्ट फीलिंग, अपराधीपन की भावना, अपराध बोध। नंबर तीन आलोचना करना, क्रिटिसिज्म। और नंबर चार जो है वो डर। तो ये चार जो भावनाएं हैं वो भावनाएं आपको बनाती है और वो भावनाएं सभी बीमारियों के जड़ में है। आप बोलते कि मेरे जीवन में ये लोग आया, ये सपोर्ट नहीं करता, वो सपोर्ट नहीं करता, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मुझे ही ऐसा क्यों लोग मिलते हैं, मेरे बारे में लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, मुझे ऐसा क्यों बोला जाता है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, लोग मुझे उसको करते मेरे को नहीं करते हैं। समझ जाओ कि आप वैसे हो करके आपके तरफ वैसे ही लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो लोग आपके तरफ आ रहे हैं ना वो आपने अट्रैक्ट किए हुए, क्योंकि आप एक ऐसे स्पेस हो, आप ऐसे इंसान हो, एक ऐसे आप चुंबक हो, एक ऐसे मैग्नेट हो कि आपके तरफ ऐसे लोग खींचे जाते हैं। यदि आप वैसे नहीं होंगे, गिल्ट फीलिंग वाले, अपराध बोध की भावना, क्रिटिसिज्म, रिजेंटमेंट, फियर, ये चार भावनाओं के साथ में रहने वाले व्यक्ति नहीं होंगे तो वो जो लोग घूम रहे हैं वो और कहीं चले जाएंगे, आपके पास में आएंगे नहीं, वो और किसी को पकड़ेंगे, वो और चुंबक देख लेंगे कहाँ है। तो मगर यदि आप ये चार भावनाएं अपने पास में रखते हैं तो आप चुंबक बन जाते हो और ऐसे लोगों को आप आपके तरफ बार 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 आकर्षित करते हो। देखो आपको कहाँ कहाँ रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, द्वेष है, नफरत है, रिजेंट करता हूं मैं, अपन बोलते ना रिजेंटमेंट है। कहाँ कहाँ आप आलोचना करते, क्रिटिसाइज करते हैं, देखिए कहाँ कहाँ आपको गिल्ट है, अपराध बोध की भावना है, और कहाँ आपको फियर है, और ये सब भावनाएं शारीरिक बीमारियों का निर्माण करती है। रिजेंटमेंट जो है नफरत, रोष, गुस्सा, तो ये बार 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 रहता है तो वो कैंसर को जन्म देता है, कैंसर हो सकता है लोगों को। यदि आप आलोचना करते हैं लोगों की, बहुत बार बार क्रिटिसाइज करते हैं तो हो सकता है कि आपको जोड़ों के दर्द हो जाएगी। जहां जहां आपको अपराध बोध की भावना है, अपराध बोध क्या करता है, अपराध बोध पनिश करता है, शिक्षा करता है, पनिशमेंट देता है, तो जहां जहां अपराध बोध की भावना होती है वहां वहां आपको दर्द महसूस होगा, पूरे बदन में दर्द, बॉडी में दर्द, पीठ में दर्द, पीछे दर्द, आगे दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, ऐसे अलग अलग दर्द की बीमारियां हो जाएंगी। और आपको यदि डर है तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपके बाल झड़ जाएंगे, आपको अल्सर्स हो सकते हैं, आपको आपके एड़ी में चोट पहुंच सकती है, जो पैर है वो कटे हुए आपको दिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भावना है ये हमने देखना है कि कैसे हम अच्छे करेंगे, क्योंकि भावनाएं निकलती कहां से, थॉट से। पहले आता है एक थॉट, उसके बनते हैं मल्टीपल थॉट्स, और उससे बनती है भावनाएं। भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हम, थॉट्स को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि आप खुद को और लोगों को माफ करते हो, नफरत, गुस्सा, द्वेष, रोष यदि बंद करते हो तो डेफिनेटली आपका कैंसर भी ठीक होने के लिए मदद होगी। ये जो बता रहा हूं मैं लुई है की किताब में से मैंने लिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया किताब है, आप किताब पढ़ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।